ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसका नाम बिलाल अमीर है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल तो हासिल कर चुका लेकिन नौकरी ना कर सका। जोहोटन के इलाका में दी फोक के नाम से अपना फूड ब्रांड मुतारिफ करवा दिया। इस नौजवान की कहानी इसी की जुबानी। प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है वो स्टडी के बाद ये इनिशिएटिव लिया, ये आइडिया कहाँ से क्लिक हुआ? ये दोस्त मेरा जो मेरे साथ काम कर रहा है, मेरा पार्टनर है, उसी ने मशवरा दिया, क्योंकि वो भी अनएम्प्लॉयड है, मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, तो हम दोनों ने मिलके कोई सजेशन लिया तो हमने फास्ट फूड का जॉइंट अपना स्टार्ट किया। अच्छा बिलाल मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने न्यूली स्टार्ट किया है, कस्टमर का रिस्पांस कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। जो कस्टमर एक बार आ रहा है वो दोबारा ज़रूर आ रहा है, जो भी आ रहे हैं तारीफ करके जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बताइएगा कि डिशेज़ की अवेलेबिलिटी क्या क्या है आपके पास? ये बेसिकली न्यूयॉर्क में है, दी हलाल गाइस के नाम से एक उनका है चिकन ओवर राइस प्लेटर, वो पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस करवाया, बड़ी बेहतरीन आइटम है। उसके साथ रैप्स वगैरह भी हैं हमारे पास अवेलेबल। ये गायरो टाइप चिकन है जो हम चिकन ओवर राइस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, और रैप्स भी हमारे पास गायरो रैप्स और सैंडविचेज़ वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा बिलाल मुझे अपनी स्टडी के हवाले से बताइएगा। स्टडी मैंने यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने बीएससी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी किया, और उसमें 2019 में पास आउट हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उससे पहले मेरी डीए ही था मैकेनिकल में ही, वो मैंने लाहौर से ही किया, और बीएससी भी मेरी लाहौर से ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा बिलाल कि आपने ये खूबसूरत इनिशिएटिव लिया, तो रेसिपीज़ जो है वो तमाम आपके पास जो है आउट ऑफ कंट्रीज़ की है, पाकिस्तानी क्या है आपके पास? पाकिस्तानी सिंपल जो जिंगर जो चलता है वो पाकिस्तानी है बस। उसके अलावा हमारी जो आइटम्स हैं वो मेडिटेरेनियन है, ये मेडिटेरेनियन डिशेज हैं और बड़ी बेहतरीन है। अच्छा हिलाल फूड का आपके जहन में कहाँ से आया आइडिया? ये हिलाल गाइस का बेसिकली दोस्त मेरा एक है, वो न्यूयॉर्क में होता है, वो वहाँ से होके आया, तो उसने सजेशन दिया कि बड़ी बेहतरीन चीज़ अगर पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है तो आप स्टार्ट करें, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा बिलाल ये जो जितनी भी आउट ऑफ कंट्री डिशेज होती हैं जो कि बैरून ममालिक में जो है वो लोग खाते हैं या खाई जाती हैं, वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, उनकी मेकिंग प्रोसीजर बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये यही है मेहनत के साथ साथ ही है, हमने एक्सपेरिमेंट्स में ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम किया, एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी हमने पैसे लगाए हैं, पहले स्टार्ट करने से पहले खुद ही हमने सीखा काम, किसी से हमने सीखा नहीं, हमने खुद ही ट्राई किया मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया, जैसे जैसे हमें ज़्यादा बेहतर लगा उस पर हमने आके टल गए हैं, और वही हमारी रेसिपी चल रही है, और जो भी खा के जा रहा बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका। अच्छा बिलाल मुझे ये बताइएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कोई नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं? नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह, अभी जहन में चल रही है लेकिन तभी बताएंगे जब इंट्रोड्यूस होगी। अच्छा उससे पहले नहीं बता? नहीं उससे पहले नहीं, मतलब आइडेंटिटी रिवील नहीं कर? नहीं नहीं। बिलाल मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना अच्छा हो गया ये काम करते? ये 3 माह, मुझे 3 माह से ऊपर हो गया टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है, और 3 माह में इतना है कि मेरा खर्चा जो है वो दुकान का निकल रहा है। अच्छा बिलाल मुझे ये बताइएगा कि हमारे मुआशरे का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि आपने स्कूलिंग, फिर उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद जॉब, ये माइंडसेट जो है ना लोगों का सेट हुआ है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंड पे जाके आप जॉब ही करेंगे, लाजमी नहीं है कि आपका मुस्तकबिल हमेशा जॉब पे ही आके रुकेगा। बिज़नेस स्टार्ट करें, बिज़नेस बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को मिल रही है वो अवेल कर रहा है तो बिज़नेस स्टार्ट करें, कारोबार में बरकत है हुज़ूर पाक ने भी फरमाया, और कारोबार जो है आप बेसिकली एक विरासत में छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप जॉब करेंगे 10 साल 20 साल 30 साल आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ उससे आप छोड़ के नहीं जा रहे अपने बच्चों के लिए। अगर आप बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं, बिज़नेस में आप अपनी ब्रांचेस डाल रहे हैं, अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए। जी तो नाज़रीन इनका टेस्ट भी हम चेक करते हैं, ऑर्डर तो मैंने कर दिया, आप देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है और आपको खा के बताते हैं जनाब कि इनके जितनी भी रेसिपीज़ हैं और जितनी भी इनकी जो है प्रोडक्ट्स कितनी लाजवाब हैं। जी तो नाज़रीन इनके खाने तो बड़े लाजवाब हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान रोहाब राना को दीजिए इजाज़त और प्राउड पाकिस्तान के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह हामी होना सर।